हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान रुचि चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे घर की क्या दुर्दशा है। हमको खाना बनाने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारा घर अभी टूट के बन रहा है फ्रेंड्स, तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए पूरा हम आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा टूट रहा है। ये हमारा किचन है, हमको खाना बनाने में इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, टूटा हुआ है। और ये हमारा काम चल रहा है। ये देखिए हमारे मिस्त्री सब बरामदे में लगे हुए हैं, पूरा अपना काम कर रहे हैं। इस समय हमें खाना बनाने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स। हम रूम में अपना पूरा किचन उचन गैस वैस सेट किए हुए हैं और रूम में ही पूरा बना रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत है अभी इस समय हमको। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए देखिए सब सामान हमारा किस तरह से बिखरा है। देखिए आप देख सकते हैं, रूम तो कंप्लीट हो गया है लेकिन हमारे किचन में भी काम चल रहा है। किचन में काम चलने की वजह से किचन का सारा सामान हमने रूम में सेट किया हुआ है। सेट क्या किया है फ्रेंड्स, पूरा बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं हमने सब बाहर निकाल निकाल के बेड के ऊपर रखा हुआ है। पूरा घर धूल से भरा हुआ है। अभी हम कुछ कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कौन सा सामान कहाँ पर रखें। अभी तो इतनी दिक्कत है हमको कि हम कौन सा सामान कहाँ पर सेट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखिए किस तरह से हमारे यहाँ सामान फैला पड़ा हुआ है। कपड़े बहुत सारे ढेर हैं धुलने के लिए। मैं यही सोच रही हूँ कि ये धूल ख़त्म हो तो ये कपड़े धुलें। फ्रेंड्स देखिए इस समय बहुत मेहनत पड़ रही है हमको। सुबह से लेकर शाम तक काम करते ही बीतता है। ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने इनको बोल दिया है कि मेरा काम बहुत ही जल्दी करिए और काम खत्म करिए। फ्रेंड्स अभी मुझे लगता है 1 हफ्ते लग जाएंगे इस काम में। ये देखिए फ्रेंड, मेरा खाना बन रहा है। मैंने सब्जी बना ली है, मैंने आलू सोयाबीन की सब्जी बना के रख दी है। अब मुझे रोटियां सेकनी हैं, जो मैं अभी सेकने जा रही हूँ फ्रेंड्स। अब मैं रोटी सेकूँगी। बच्चे भूखे हो चुके हैं, अब उनको भूख लग रही है। अब बच्चों के लिए रोटियां सेकूंगी, फिर उनको मैं खाना खिलाऊंगी। सब्जी हमारी बन गई है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मेरी रोटियां बन रही हैं बड़े ही आराम आराम से। खड़े होकर खाना बनाने की आदत है, इसलिए फ्रेंड्स बैठ के बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो बैठ के बनाने में दिक्कत ज़्यादा होती है और खड़े होकर बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो रोटियां बन गई हैं, रोटियां बन गई हैं फ्रेंड्स। 11 बजे मेरी रोटी बन गई है। पूरा फैला होने की वजह से घर में काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। रात को सोने में भी 11-12 बजता है और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि काम चल रहा है। शाम को साफ सफाई करनी पड़ती है।
आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर आपको इस समय कोई वीडियो नहीं मिल रही है। वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही है दोस्तों, क्योंकि इस समय मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है और टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए हमारे चैनल पर इस समय वीडियो नहीं आ पा रही है। कोशिश में है कि हमारे काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, पूरा घर हमारा सही हो जाए। अभी मुझे लगता है कि 8-10 दिन और लगेगा काम ख़त्म होने में, क्योंकि काम तो वैसे फास्ट ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा काम लंबा होने की वजह से टाइम लग गया। ये देखिए, मैंने सब्ज़ी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई है और रोटी भी बनाई है। चावल मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ सब्ज़ी और रोटी बनाई है। अब हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारा खाना बन गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।